देश भर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। इसी बीच बिहार में दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। दो चरणों के मतदान में 9 सीटों पर चुनावी वोटिंग पूर्णतया से संपन्न हो चुकी है और इस बीच लालू परिवार जीत के दावे करने में जुट गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के काले कानूनों और उनके तमाम यहां पर झूठे वायदों को जवाब देने का जनता मूड बना चुकी है। इसी बीच लालू परिवार ने अपने परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार रखा है। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनौती दे रही है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को यहां पर चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने पूर्णतया से कमर कस ली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार और लगातार तमाम राजनेता ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार यदि लालू परिवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है तो बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी और तेजस्वी यादव ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि दो चरणों में हुए मतदान ने यह साफ तौर पर दिखा दिया है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी किस तरीके से महागठबंधन के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार में कुल 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पाटलिपुत्र सीट से चुनावी मैदान में उतारने को लेकर ऐश्वर्या नाम के विचार किया जा रहा है। ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच फिलहाल देखा जाए तो तलाक का मामला लंबित है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या राय से मुलाकात की उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि ऐश्वर्या राय यदि हमारे परिवार का एक बार फिर से हिस्सा बनती है तो ये परिवार के लिए एक बेहतरीन संकेत होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य के साथ साथ क्या लालू परिवार यहाँ पर बड़ी बहू ऐश्वर्या राय को भी चुनावी मैदान में उतारता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।